घाघरा पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर घाघरा थाना क्षेत्र के आदर निवासी मदन गोप के घर से 97 बोतल देशी और विदेशी शराब बरामद कर मदन गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गुमला भेज दिया। इस बात की जानकारी देते थाना प्रभारी अभिनव कुमार, SI मुकेश कुमार, ASI नागमणि सिंह ने संयुक्त रूप से घाघरा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस क्रम में गुप्त सूचना मिली कि मदन गोप के घर अवैध शराब बिक्री हेतु रखी गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए आज सुबह छापेमारी की गई, जिसमें देसी मसालेदार और विदेशी शराब के 97 बोतल लगभग 20,000 की शराब पकड़ी गई। साथ ही मदन गोप को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गुमला भेज दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर लगातार अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी अभियान घाघरा थाना के द्वारा चलाया जा रहा है। विगत 2-3 दिन पहले भी हम लोग 15 लीटर महुआ शराब को जब्त कर और उसको एक्साइज डिपार्टमेंट को हवाले किए थे, और कल भी हम लोग सूचना मिला और उसके बाद आज छापामारी कर आदर में मदन गोप के घर से हम लोग को शराब भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसके बाद हम लोग FIR कर और मदन गोप को आज माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।